अयोध्या तो शुरू हुई कलश यात्रा पहुंची समराला। समराला वासियों ने कलश यात्रा का किया भरवा स्वागत। रस्ते दे विच लगाए गए वक-वक प्रकार दे लंगर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जो कि 550 साल बाद अपने मंदिर दे विच विराजमान होने जा रहे हैं अते भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर अयोध्या दे विच बन के तैयार हो चुका है। इसी दे तहत अयोध्या तो सारे भारत दे विच कलश वक्रे वक्रे मंदिरां दे विच यात्रा राही भेजे गए। इसी दे संबंध दे विच अज एक कलश समराला दे पंचमुखी मंदिर दे विच भी भेजा गया जो कि श्री खाटू धाम मंदिर तो यात्रा दे रूप विच समराला पहुंचा ते वक्रे वक्रे मंदिरां दे विच एह कलश यात्रा राही हुंदिया होया पंचमुखी गौशाला मंदिर दे विच पहुंचिया अते एह पवित्र कलश कुछ दिनां लई इत्थे स्थापित किया गया। समराला वासियों ने इस कलश यात्रा का हुम हुमा के स्वागत किया अते रस्ते दे विच वक-वक प्रकार दे लंगर भी लगाए गए। सो इस संबंधी मीडिया नाल गलबात करदिया हिंदू भाईचारे का ते होरनां दा की कुछ कहना है तुसीं भी सुनो। जय श्री श्याम जी, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सब तो पहला तो शहर निवासियों नूं बहुत बधाई दे पात्र ने क्योंकि अयोध्या तो जिहड़ी कलश यात्रा बाबा राम लला जी दे लई चली सी अज समराला दे विच भी पहुँच चुकी है। सारे शहर वालों बहुत भरवां स्वागत किया गया है, वैलकम किया गया है बाबा का। सारे शहर निवासी इस प्रोग्राम दे विच हुम हुमा के पहुँच रहे हैं। दुर्गा मंदिर दे विच हुणे यात्रा पहुँच चुकी है। इस तो बाद जिहड़ी यात्रा 84 पौड़ी वाला मंदिर, उस तो बाद डब्बी बाजार और शिव मंदिर बिहारी वाला विच पहुँचेगी। लास्ट दे विच जिहड़ी स्थापना हैगी है वह पंचमुखी हनुमान मंदिर विच होएगी। सो सारे शहर निवासियों का बहुत धन्यवाद किया जाता है और बेनती की जाती है कि सारे वध चढ़ के आओ तो परमात्मा के रूप के जिहड़े हैगे ने साडे श्री राम लला जी आए ने उन्हां दा स्वागत करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। उद्देश कलश यात्रा का उद्देश है जी, जिहड़ी अपने 5.5 साल तो साडे प्रभु राम जी वह तंबूआं दे विच रह रहे सीगे। साडे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मेहनत के सदका अयोध्या दे विच वह अपने निवास स्थान दे विच जा रहे हैं। ये कलश अपार हर्ष की बात है कि कई 550 वर्ष बाद रामलला जी अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। राम जी का मंदिर बन गया है और अयोध्या जी से ही ये कलश भेजे गए हैं। ये अभिमंत्रित कलश हैं, इसमें अक्षित हैं और अक्षित अभिमंत्रित हैं। और पहले ये कलश खन्ना खाटू धाम में आए और उसके बाद आज समस्त समराला वासियों के द्वारा खाटू धाम से ये कलश सारे समराला शहर के मंदिरों में घुमा के उसके बाद इस कलश को गौशाला पंचमुखी हनुमान मंदिर में स्थापित किया जाएगा। जो भी भक्तजन ये कलश वहाँ 4-5 दिन स्थापित रहेगा और जो भी भक्तजन इस कलश के दर्शन एवं जो भी राम जन्मभूमि के लिए सेवा करना चाहता है वो कर सकता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम लला जी साढ़े 550 सालों बाबर के राज तो तंबूआ च सी जो कि साढ़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कसम खाधी हुई सी कि राम लला जी का मंदिर जिहड़ा वा वह बहुत उच्च ते वधिया बनेगा। उसकी शुरुआत जो सी जिहड़ी यह कलश यात्रा अयोध्या तो चली आ सारे देश घूमती घुमाती अज समराले शहर च पुजी आ ते असी सारे शहर वासियों ने भगवा स्वागत किया। तो सारे शहर में इसकी परिक्रमा हो रही है ते हुण असी दुर्गा माता मंदिर विच आ ते उस तो बाद गऊशाला विच एंड समाप्त होएगी। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नूं तहे दिल तो धन्यवाद करदा ते अपने हिंदू भरावां वल्लों यह भी संकेत दिंदा कि आने वाला टाइम भगवे दा ही है। जय श्री राम जी। कलश यात्रा भगवान श्री लला जी की राम जी की पहुंची है मंदिर च। क्या कहते हैं? जय श्री राम। जय श्री राम। अपा दुर्गा मंदिर समराला से बाबा यज्ञनाथ जी बोल रहे हैं। जब अयोध्या जी मंदिर जब बना था तो पहले आदित्यनाथ के गुरु अवेदनाथ ने पत्थर रखा था राम का जन्मभूमि पर, न्यू पत्थर रख कर और उस जगह के राम जगह के जगह पर पहले राम भगवान तालाब बंद थे। फिर दूसरी बार गया तो भगवान तंबू मांगे,
तो अब बारी है जो भगवान रामचंद्र जी महल के अंदर विराजमान होंगे, और दूसरे हमारे सभी सहयोग शहर निवासियों पूरे अपना देशवासियों और सब मिलजुल कर पूरा साथ दें और अयोध्या जी चलें, और हुआ रामचंद्र जी का ही जयकारा बोलना है, समझे न। और दूसरी हमारा नगर निवासी शहर के हमारे जितने भी सजन प्यारे माता और बहनों, इनकी पूरी सहयोग है और पूरा बढ़ चढ़ के आए हैं और पूरा इनके साथ दे रहे हैं। चढ़दी कला टाइम टीवी समराला तो जे एस रियाड़ की खास रिपोर्ट।